गुड मॉर्निंग पंजाब, उम्मीद करती हां तुसी सारे राजी खुशी होगे, तुहाडी कुशलता लई वाहिगुरु नूं हर वेले अरदास करदे हां। ते मैं अज पिछले दिनां च जो कुछ करनाले च होया उंदा सानूं बहुत ही दुख है। किसाना साडे किसान वीरां दी शहादत होर जिहड़े भी बेचारे साडे घायल हो गए ने उहनां दी सकुशलता लई वाहिगुरु अगे अरदास करदे हां। जिहड़ा साडा इक वीर शहीद होया तुहाडी शहादत नूं हमेशा इतिहास विच पंजाब दे इतिहास विच सारा पंजाब सैल्यूट करता रहेगा और तुहाडे जज्बे नूं पंजाब स्टेट विमेन कमीशन सैल्यूट करता है। और उम्मीद करते हां कि तुसी लोकतंत्र विच किसी नूं भी ए अधिकार नहीं है कि डेमोक्रेसी विच हर किसी नूं ए अधिकार है कि अपनी आवाज चुकन, पर किसी नूं ए अधिकार नहीं है कि तुहाडी आवाज नूं दबाया जाए या तुहाडे नाल इस हद तक जड़ी है लाठी चार्ज होया है। और शर्मसार हो गया पूरा देश उस अफसर दी जिंदा वीडियो वायर हो रहे होया है। अपा अपील करते हैं भारत सरकार नु कि ए खुजे अफसरा नु इमीडिएटली सस्पेंड होना ही हले ए वाजिब नहीं है, जिथे इतना ज्यादा साडे देश दा साडी भावनावां नु ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। इमीडिएटली पंजाब स्टेट विमेन कमीशन अपने पूरे पंजाब दी तरफो अपील करता है भारत सरकार नु कि इस अफसर दी जिन्ने शर्मसार किता है पूरे भारत नु इनु इमीडिएटली डिसमिस किता जाए और किसी दी भी भावनावां नु, क्योंकि जदों एदा दा माहौल हुंदा है सारे देश दे पंजाबियां दी ते भावनावां है ही है सारे देश दीयां भावनावां नु और एक माहौल खराब करन दी कोशिश कीती जांदी है। उम्मीद कर दिया प्रधानमंत्री जी साडी इस अपील ते ध्यान देंगे, एखो जे लोकां ते एखो जे अफसरां ते नकेल पाई जाएगी। दूसरा, सारी पॉलिटिकल पार्टियां लई एक मैसेज है कि तुहानू अपने दायरे च रह के अपनी आवाज चुकन दा तुहानू पूरा हक है, पर किसानां दी शहादत किसानां दी जड़ी एको अपने पिछले साल डेढ़ साल तो जो उन्होंने कुर्बानियां दित्तियां जो उन्होंने स्ट्रगल है पॉलिटिकल पार्टियां उनका फायदा कभी भी नहीं चुकनगियां। किसान अपनी मर्जी नाल हक जिंदे नाल चलना चाहेगा चलेगा, पर तुसी पॉलिटिकल पार्टियां चाहे कोई मौजूदा सरकार होए चाहे होर होन तुसी माहौल नहीं खराब करोगियां। तुसी अपा अज इलेक्शन कमीशन नूं लिखन जा रहे हां कि एक इना दा दायरा अपनी आवाज चुकन दा फिक्स कर दिता जाए जिंदे नाल, क्योंकि कानून तो ऊपर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जदों पॉलिटिकल पार्टियां एखो जे मुद्दियां नूं लेके धरने देंदियां ने किते ना किते पंजाब दा आम आदमी भी सफर करता है, किते ना किते माहौल खराब हुंदा है। कानून तो ऊपर कुछ भी नहीं है और प्रशासन नूं भी ध्यान रखना पड़ेगा टाइम टू टाइम, चाहे वो टीचर हो चाहे वो किसानी मुद्दे नूं लेके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होए, महिलावां उत्ते अपनी एक भाषा दा और ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लाठी चार्ज होया प्रशासन नूं इस चीज दा ध्यान रखना पड़ेगा, कानून दे दायरे च रह के उहनां नूं अपनी आवाज चुकन दा एक जो भी मौका दिता जांदा है फिक्स करे और प्रशासन ने सुनिश्चित करे कि किसी दे नाल भी हरासमेंट नहीं हुई। पिछे जो सोशल मीडिया ते दिखाया गया ये किसी एक पार्टी दी महिलावां दे नाल जो वाटर दे नाल पानी दे नाल जो बुछारा कीतियां गईयां वो गलत है, निंदनीय है। पंजाब स्टेट विमेन कमीशन अपनी पंजाब दी हर औरत दे लिए आवाज चुकदा रहेगा। मैं उनकी कड़े शब्दों च निंदा करदी हां ते अपा चंडीगढ़ पुलिस तो इंदा जवाब भी मंगांगे और इलेक्शन कमीशन नु चिट्ठी लिखांगे। पर फिर बार बार एक कह रही हां, एक कहावत बनी हुई है, जवान कहंदी है तू मेनू मुंह कढ़ मैं तेनू शहरो कढ़ा। हुण चुनाव नजदीक आ रहे ने, पॉलिटिकल पार्टियां नु एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जवान कहंदी है तू मुंह कढ़ कमीशन तेरे पीछे पीछे, ते ध्यान रखना पड़ेगा सारिआं नु। उम्मीद करदी हां तुसी सारे अपना ध्यान रखोगे। जय हिंद। गुड मॉर्निंग पंजाब, उम्मीद करती हां तुसी सारे राजी खुशी होगे, तुहाडी कुशलता लई वाहिगुरु नूं हर वेले अरदास करदे हां। ते मैं अज पिछले दिनां च जो कुछ करनाले च होया उंदा सानूं बहुत ही दुख है। किसाना साडे किसान वीरां दी शहादत होर जिहड़े भी बेचारे साडे घायल हो गए ने उहनां दी सकुशलता लई वाहिगुरु अगे अरदास करदे हां। जिहड़ा साडा इक वीर शहीद होया तुहाडी शहादत नूं हमेशा इतिहास विच पंजाब दे
इतिहास च सारा पंजाब सल्यूट करता रहेगा और तुहाडे जज्बे नूं पंजाब स्टेट विमेन कमीशन सल्यूट करता है और उम्मीद करते हैं कि तुसी लोकतंत्र च किसी नूं भी ए अधिकार नहीं है कि डेमोक्रेसी हर किसी नूं ए अधिकार है कि अपनी आवाज चुकन पर किसी नूं ए अधिकार नहीं है कि तुहाडी आवाज नूं दबाया जाए या तुहाडे नाल इस हद तक जड़ी ए लाठी चार्ज होई है और शर्मसार हो गया पूरा देश उस अफसर दी जिंदा वीडियो वायर हो रहे होया है। अपा अपील करते हैं भारत सरकार नूं कि ए खुजे अफसरां नूं इमीडिएटली सस्पेंड होना ही हले ए वाजिब नहीं है जिथे इन्ना ज्यादा साडे देश दा साडी भावनावां नूं ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। इमीडिएटली पंजाब स्टेट विमेन कमीशन अपने पूरे पंजाब दी तरफों अपील करता है भारत सरकार नू कि इस अफसर दी जिन्ने शर्मसार किता है पूरे भारत नू इनू इमीडिएटली डिसमिस किता जाए और किसी दी भी भावनावां नू क्योंकि जदों एदा दा माहौल हुंदा है सारे देश दे पंजाबियां दी ते भावनावां है ही है सारे देश दीयां भावनावां नू और एक माहौल खराब करन दी कोशिश कीती जांदी है। उम्मीद कर दिया प्रधानमंत्री जी साडी इस अपील ते ध्यान देंगे एखो जे लोकां ते एखो जे अफसरां ते नकेल पाई जाएगी। दूसरा सारी पॉलिटिकल पार्टियां लई एक मैसेज है कि तुहानू अपने दायरे च रह के अपनी आवाज चुकन दा तुहानू पूरा हक है पर किसानां दी शहादत किसानां दी जड़ी एको अपने पिछले साल डेढ़ साल तो जो उन्होंने कुर्बानियां दित्तियां जो उन्हां दा स्ट्रगल है पॉलिटिकल पार्टियां उनका फायदा कभी भी नहीं चुकन गियां। किसान अपनी मर्जी नाल जिंदे नाल चलना चाहेगा चलेगा पर तुसी पॉलिटिकल पार्टियां चाहे कोई मौजूदा सरकार होए चाहे होर होन तुसी माहौल नहीं खराब करोगियां। तुसी अपा अज इलेक्शन कमीशन नूं लिखन जा रहे हां कि एक इना दा दायरा अपनी आवाज चुकन दा फिक्स कर दिता जाए जिंदे नाल क्योंकि कानून तो उपर कुछ भी नहीं है क्योंकि जदों पॉलिटिकल पार्टियां एखो जे मुद्दियां नूं लेके धरने देंदियां ने किते ना किते पंजाब दा आम आदमी भी सफर करता है किते ना किते माहौल खराब हुंदा है। कानून तो उपर कुछ भी नहीं है और प्रशासन नूं भी ध्यान रखना पड़ेगा टाइम टू टाइम चाहे वो टीचर हो चाहे वो किसानी मुद्दे नू लेके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होए महिलावां उत्ते अपनी एक भाषा दा और ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लाठी चार्ज होया प्रशासन नू इस चीज दा ध्यान रखना पड़ेगा कानून दे दायरे च रह के उना नू अपनी आवाज चुकन दा एक जो भी मौका दिता जांदा है फिक्स करे और प्रशासन ने सुनिश्चित करे कि किसी दे नाल भी हरासमेंट नहीं हुई। पिछे जो सोशल मीडिया ते दिखाया गया ये किसी एक पार्टी दी महिलावां दे नाल जो वाटर दे नाल पानी दे नाल जो बुछारा कीतियां गईयां वो गलत है निंदनीय है। पंजाब स्टेट विमेन कमीशन अपनी पंजाब दी हर औरत दे लिए आवाज चुकदा रहेगा। मैं उनकी कड़े शब्दां च निंदा करदी हां ते अपा चंडीगढ़ पुलिस तो इंदा जवाब भी मंगांगे और इलेक्शन कमीशन नु चिट्ठी लिखांगे। पर फिर बार बार एक कह रही हां एक कहावत बनी हुई है जवान कहंदी है तू मेनू मुंह कढ़ मैं तेनू शहरो कढ़ा। हुण चुनाव नजदीक आ रहे ने पॉलिटिकल पार्टियां नु एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जवान कहंदी है तू मुंह कढ़ कमीशन तेरे पीछे पीछे ते ध्यान रखना पड़ेगा सारेयां नु। उम्मीद करदी हां तुसी सारे अपना ध्यान रखोगे। जय हिंद।